दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही मैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊँगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन दो में इसे रिलीज़ कराया गया था वैसे ये मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेज़न प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल बी ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पर आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवनड्रीड परसेंट लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी 93 परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब एनीबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर यह डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे हो या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बड़ा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं करेगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा तो जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में इसे डब करवाया गया था अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रेंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रेंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कम्परेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नर भी करते हो गए खैर दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वह एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका ट्रेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्ज़न पर रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर यह देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कापी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफ़ी लेता है तो उनके कोई टी वी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही मैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊंगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए तो बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ये मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेजन प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख ली थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पे आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी 93 परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब बैनिबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर यह डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो गए जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होगी या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बट हाँ ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्ज़न आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी डब वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में इसे डब करवाया गया था अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रैन पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रैन पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कम्परेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते हो गए खैर दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वह एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका और टेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्जन पर रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर यह देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कॉपी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेजन प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफ़ी लेता है तो उनके कोई टीवी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही मैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊँगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ये मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेज़न प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल बी ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं है कि आप बच्चे हैं तो आपको यह नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख रही थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पे आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्रीड लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी 93 परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब हैनीपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो गए जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होगी या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बड़ा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं करेगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी डब वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में इसे डब करवाया गया था अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रैंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रेंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कम्परेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते होंगे खार दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनीमेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती हैं इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वह एक यात्रापन निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसे स्टूडियो देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका ट्रेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्जन में रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर यह देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कापी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफ़ी लेता है तो उनके कोई टी वी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊंगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में इसे रिलीज़ कराया गया था वैसे ही मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेजन प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक बॉक्सकर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख देखी थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पर आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्री लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब एनिबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो गए जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे हो या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बटा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी डब वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा तो जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में से डब करवाया गया था तो अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रेंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रेंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कम्परेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इधनर भी करते हो गए खैर दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वह एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका और टेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग, अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्ज़न पर रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फ़िलहाल तो आपको यूट्यूब पर यह देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कापी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेजन प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफ़ी लेता है तो उनके कोई टीवी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी पे रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको इस जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे बताया कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही मैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊँगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ये मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेज़न प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल बी ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं है कि आप बच्चे हैं तो आपको यह नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख ली थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पे आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्रीडरसेंट लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी 93 परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब एनिपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होंगे या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बटा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा तो जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में इसे डब करवाया गया था अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रेंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रेंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग लग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और यह मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कंपेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते होंगे खार दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनीमेटेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वो एक पर निकलता है और उस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसे स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेज़न प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका ट्रेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्जन में रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फ़िलहाल तो आपको यूट्यूब पर ये देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कॉपी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ कापी लेता है तो उनके कोई टी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आजीम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊंगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए तो बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में इसे रिलीज़ कराया गया था वैसे ही मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेजन प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल भी ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक बॉक्सकर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको यह नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पर आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े छः की रेटिंग मिली थी और जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्रीडर लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र हैं वहाँ पर भी नाइन्टी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब एनीपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर यह डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो गए जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे हो या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बड़ा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं करेगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी डब वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा जा रहा था कि साउंड एंड वेजर स्टूडियो में से डब करवाया गया था अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी वो तक हमें नहीं मिली है हालांकि रैंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रैंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कम्परेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते हो गए खैर दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वह एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका और टेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्जन पर रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फ़िलहाल तो आपको यूट्यूब पर ये देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कॉपी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफ़ी लेता है तो उनके कोई टीवी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी पे रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही मैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊँगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ये मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेज़न प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको यह नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख रही थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पे आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्रीडरसेंट लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी 93 परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब हैनीपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होंगे या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बटा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में से डब करवाया गया था तो अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रेंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रेंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस सिलेक्शन था वो लगभग लगभग लग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और यह मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कंपेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते होंगे खैर दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनीमेट मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती हैं इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वो एक यात्रा पर निकलता है और उस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का कर सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसे स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेज़न प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका ट्रेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्जन पर रिलीज़ कराए गए ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फ़िलहाल तो आपको यूट्यूब पर ये देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कापी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफ़ी लेता है तो उनके कोई टी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डग की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊंगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए तो बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में इसे रिलीज़ कराया गया था वैसे ही मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेज़न प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख ली थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पर आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े छः की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्रीडर से लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र हैं वहाँ पर भी नाइन्टी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब एनीपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो गए जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे हो या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बटा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी डब वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा तो जा रहा था कि साउंड एंड वीजन स्टूडियो में से डब करवाया गया था तो अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रैंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रेंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कम्परेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते हो गए खैर दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वह क्या दरअन निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका और टेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्ज़न पर रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर यह देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कॉपी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफ़ी लेता है तो उनके कोई टीवी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही मैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊँगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ये मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेज़न प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख ली थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पे आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े की रेटिंग मिली थी और जो रॉटन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवनड्रीड लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी 93 परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब हैनीपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होंगे या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बटा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा तो जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में से डब करवाया गया था अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रैंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रैंट पर लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस सिलेशन था वो लगभग लगभग लग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और यह मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कंपेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते होंगे खैर दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनीमेट मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती हैं इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वो एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसे स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका ट्रेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्जन पर रिलीज़ कराए गए ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर यह देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कॉपी के चलते यूटूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेजन प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ कापी लेता है तो उनके कोई टी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डग की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊंगा। दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए तो बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ही मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेज़न प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको यह नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख ली थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पर आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े छः की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एंड टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंडी लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र हैं वहाँ पर भी नाइन्टी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब एनिबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर यह डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होगी या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बटा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं करेगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी डब वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा जा रहा था कि साउंड एंड वेजर स्टूडियो में से डब करवाया गया था अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रैंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रैंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू एस डी में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू एस डी में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कम्परेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते हो गए खैर दोस्तों आप इस मूवी को जरूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो जरूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वह क्या दरअन निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका और टेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्ज़न में रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फ़िलहाल तो आपको यूट्यूब पर ये देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कापी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफ़ी लेता है तो उनके कोई टीवी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ करा गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकि आप इस डक की जर्नी को देखे और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही मैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊँगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ये मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेज़न प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख ली थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पे आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवनड्रीड परसेंट लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब हैनीपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होंगे या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बटा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में से डब करवाया गया था तो अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रैंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रैंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू एस डी में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू एस डी में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और यह मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कंपेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नर भी करते होंगे दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार खास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वो एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका ट्रेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्जन पर रिलीज़ कराए गए ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर यह देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कॉपी के चलते यूटूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ कापी लेता है तो उनके कोई टी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकि आप इस डग की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊँगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए तो बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ये मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेज़न प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख ली थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पर आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े छः की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एंड टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्री लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब एनिबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर यह डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होंगे या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बट हाँ ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी डब वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा तो जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में से डब करवाया गया था तो अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रैन पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रैन पर लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू एस डी में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू एस डी में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कम्परेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते हो गए खैर दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो जरूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वह एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का कर सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसे स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका और टेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग, अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्ज़न रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फ़िलहाल तो आपको यूट्यूब पर ये देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कापी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफ़ी लेता है तो उनके कोई टीवी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकि आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे बताया कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही मैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊँगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन दो हज़ार तेईस में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ये मूवी इंडियन सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेज़न प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख देखी थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पे आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्रीड परसेंट लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब हैनीपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होंगे या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बटा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा तो जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में इसे डब करवाया गया था अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रेंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रैंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू एस डी में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग लग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू एस डी में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकते हैं हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कंपेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते होंगे खार दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार खास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वो एक यात्रा पर निकलता है और उस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेज़न प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका ट्रेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्जन पर रिलीज़ कराए गए ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फ़िलहाल तो आपको यूट्यूब पर ये देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कॉपी के चलते यूटूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफी लेता है तो उनके कोई टी वी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊंगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए तो बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ही मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेजन प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख ली थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पर आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े छः की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एंड टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्रीड लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र हैं वहाँ पर भी नाइन्टी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब एनिबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर यह डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होंगे या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बट ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी डब वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में से डब करवाया गया था अब इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रैंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रेंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू एस डी में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू एस डी में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कम्परेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते हो गए खैर दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वो एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका और टेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्ज़न पर रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर ये देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कापी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफ़ी लेता है तो उनके कोई टीवी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही मैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊँगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ये मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेजन प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख रही थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेजन प्राइम पे आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एंड टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्रीड परसेंट लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी नाइन्टी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब हैनीपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो गए जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होगी या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बटा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी डब वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा तो जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में इसे डब करवाया गया था तो अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रेंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रेंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जान बुझ कर कंपेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नर भी करते होंगे खैर दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार खास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वह एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का कर सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेज़न प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका ट्रेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्जन पर रिलीज़ कराए गए ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फ़िलहाल तो आपको यूट्यूब पर यह देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कॉपी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेजन प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफ़ी लेता है तो उनके कोई टी वी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊँगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए तो बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ही मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेजन प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख ली थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेजन प्राइम पर आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े छः की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एंड टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्री लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र हैं वहाँ पर भी नाइन्टी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब एनिबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होगी या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बट हाँ ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा तो जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में से डब करवाया गया था तो अब इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रेंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रेंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कम्परेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते हो खैर दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वो एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका और टेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग, अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्जन पर रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर यह देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कापी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफ़ी लेता है तो उनके कोई टीवी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी जरनी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही मैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊँगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ये मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेज़न प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं है कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख रही थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पे आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एंड टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्रीड से लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी 93 परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब एनीपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होंगे या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बटा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी डब वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में से डब करवाया गया था अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रैन पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइड भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रैन पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब तो यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कंपरेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते होंगे खैर दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वह एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेज़न प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका ट्रेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्जन पर रिलीज़ कराए गए ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फ़िलहाल तो आपको यूट्यूब पर ये देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कॉपी रेट के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेजन प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ कापी लेता है तो उनके कोई टी वी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊंगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए तो बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ही मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेजन प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख ली थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पर आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े छः की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एंड टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्रीड लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र हैं वहाँ पर भी 93 परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब बैनिबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर यह डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो गए जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होगी या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बट हाँ ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी डब वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में से डब करवाया गया था अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रेंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रेंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कंपेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते हो खैर दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसके कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वो एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका और टेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्जन पर रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर ये देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कॉपी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफ़ी लेता है तो उनके कोई टीवी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी पे रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही मैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊँगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में से रिलीज़ कराया गया था वैसे ये मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेज़न प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल्बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं है कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख ली थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पे आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्रीड लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी 93 परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब एनीपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो गए जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होगी या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बट बढ़ाई मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में से डब करवाया गया था अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रेंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइड भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रेंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कंपरेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते होंगे खार दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वह एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का कर सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेज़न प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका ट्रेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्जन पर रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फ़िलहाल तो आपको यूट्यूब पर ये देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कॉपी के चलते यूटूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो रिलीज है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ कापी लेता है तो उनके कोई टी वी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही में इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊंगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए तो बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन 2023 में इसे रिलीज़ कराया गया था वैसे ही मूवी इंडियन सिनेमा घर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेजन प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल बी एटमोस ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख ली थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पर आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े छः की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एंड टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंडी रूपर्स लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र हैं वहाँ पर भी नाइन्टी थ्री परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब बैनिबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर डक के ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो गए जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे हो या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बटा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं कराएगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी डब वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा तो जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में से डब करवाया गया था तो अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रैन पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रैन पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कम्पेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते हो खैर दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती है इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसके कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वो एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका और टेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग, अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्ज़न पर रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फिलहाल तो आपको यूट्यूब पर ये देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कॉपी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेजन प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफ़ी लेता है तो उनके कोई टीवी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टी वी पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा बाकि आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज हम यहाँ पर एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे पता है कि आप भी इस मूवी को हिंदी में देखना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है साथ ही मैं इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी आपको बताऊँगा दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए जिनकी उम्र बीस साल से ज़्यादा है फिर भी उनको दोस्तों एनिमेटेड मूवीज़ देखना अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में और आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर मूवी मिलेंगी वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों मूवी का नाम है माइग्रेशन दो में इसे रिलीज़ कराया गया था वैसे ये मूवी इंडियन सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी और जो यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया है वो इसे रिलीज़ करवाए थे पर बाद में जो अमेज़न प्राइम वीडियो है इन्होंने इस मूवी के राइट्स को ले लिया और हिंदी वर्जन जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ करवा दिया तो अगर आप इसे अभी हिंदी में देखना चाहते हैं तो अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाके हिंदी में आप देख सकते हैं जहाँ पर यह डॉल बी ऑडियो के साथ हिंदी में उपलब्ध है ये एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं और ऐसी मूवीज़ दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगती है ज़रूरी ये नहीं है कि आप बच्चे हैं तो आपको ये नहीं देखनी चाहिए बल्कि ऐसी मूवीज़ दोस्तों बड़े लोग भी देखते हैं और उन्हें मज़ा आता है मूवी के अंदर आपको कॉमेडी के साथ एडवेंचर दोनों ही देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों को ऐसी एडवेंचर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है आप इसे ज़रूर देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मूवी नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में तो भी आपको ये मूवी दोस्तों मिल जाएंगी वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और ये मूवी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले देख ली थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि ये मूवी अमेज़न प्राइम पे आ चुकी है और आप इसे एक बार देख सकते हैं दोस्तों ये जो मूवी है इसकी रेटिंग भी काफ़ी शानदार आई है जो आई है वहाँ पर दस में से लगभग साढ़े की रेटिंग मिली थी और जो रॉट एंड है वहाँ पर भी इस मूवी को दोस्तों सेवन हंड्रीड से लोगों ने लाइक दिया है जो गूगल के यूज़र है वहाँ पर भी 93 परसेंट लोगों ने लाइक दिया है इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में दोस्तों वाकई दम है वरना इस मूवी का इतना कलेक्शन होना शायद संभव नहीं है मूवी काफ़ी अच्छी है और इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलती है कहानी काफ़ी सिंपल होती है दरअसल इसमें एक आपको बंदा देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पर कोई बंदा तो है नहीं सब यहाँ पर जो है ऐसे ही मतलब एनीपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि डक तो यहाँ पर डक के ऊपर पूरी मूवी याँप बनाई गई है और मुझे बताया कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो गए जो कि जो कोई क्लिप को देख के आ रहे होगी या फिर हो सकता है कि आपने कोई वीडियो को देख लिया है फिर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरी मूवी को देखेंगे तो हाँ देख सकते हैं डेढ़ घंटे की मूवी है पर मेरा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा बड़ा ये मूवी डेढ़ घंटे की है जो आपको बोर नहीं करेगी इसके जो डबिंग आर्टिस्ट थे जो जब ये वर्जन आया था इंग्लिश में यहाँ पर अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट रहे थे पर जो हिंदी वर्जन था वो काफ़ी बढ़िया था कहा जा रहा था कि साउंड एंड विजन स्टूडियो में से डब करवाया गया था अब इसमें कितनी सच्चा है इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है हालांकि रेंट पर भी मूवी उपलब्ध है आप चाहे तो देख सकते हैं इनकी एक साइट भी बन चुकी है माइग्रेशन डॉट मूवी करके वहाँ पर भी आप रेंट पे लेके देख सकते हैं इसका जो बजट था लगभग साढ़े सात करोड़ का था मतलब यू में और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो लगभग लगभग जो तो बीस करोड़ का हुआ था यू में मतलब आप सोच सकते हैं कि इस मूवी का जितना बजट था उससे तीन गुना ज़्यादा इस मूवी का कलेक्शन हुआ और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी जो है रही है बॉक्स ऑफिस भी आप इतना कह सकता है हालांकि जो इंडियन बॉक्स ऑफिस है वहाँ पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को अच्छी लगी है खैर सबकी पसंद अलग होती है इसलिए आप जो इसे डायरेक्ट देख सकते हैं और कुछ लोगों ने इसे जानबूझ कर कम्परेट किया हो सकता है या फिर कोई लोग इसे इग्नोर भी करते होंगे खार दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा ये आपको पसंद तो ज़रूर आएंगी इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी ही एनिमेड मूवीज़ देखते हैं तो आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी नई मूवीज़ आती हैं इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप सभी लोग हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है इस मूवी से जुड़ा हुआ तो हम आपको जवाब अवश्य देंगे चलिए एक नज़र इसकी कहानी की तरफ़ डाल लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो है वो समझ सके कि मूवी में आपको आखिरकार ख़ास क्या देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक डक है जो कि अपने जीवन से परेशान है और वह एक यात्रा पर निकलता है और इस यात्रा में उसके साथ कुछ नए दोस्त बनते हैं तो यहाँ पर वही आपको एक एडवेंचर जर्नी देखने को मिलती है और उस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ये सब कुछ आपको मूवी में ही देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी स्टूडियो देखना अच्छा लगता है तो आप इसे बेशक देख सकते हैं तो अभी जाइए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इसे हिंदी में देखिए हमें दोस्तों यकीन है कि आपको इसका जो हिंदी ट्रेलर है वो भी अच्छा लगेगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसका ट्रेलर काफ़ी शानदार था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था और इसे इंग्लिश में पहले रिलीज़ कराया गया फिर बाद में इसका दोस्तों अलग अलग जो वर्ज़न था वो भी रिलीज़ हुआ था जो मतलब जैसे कि हिंदी है और तेलुगु है इसका अलग अलग ऐसे बहुत सारे वर्जन में रिलीज़ कराया गया ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो टाइम मिले तो इसे ज़रूर देखिए फ़िलहाल तो आपको यूटूब पर यह देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कॉपी के चलते यूट्यूब पर ये अवेलेबल नहीं है पर हाँ आप इसे ऑफिशियल तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर ये अमेजन प्राइम वीडियो पर आपको मिलेंगी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस मूवी को देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको स्टार गोल्ड पर देखने को मिल सकती है या फिर सोनी मैक्स पर देखने को मिल सकती है क्योंकि दोनों चैनल जो है मूवीज़ को रिलीज़ करवाते हैं पर जो सोनी मैक्स होता है वो ऐसी मूवीज़ काफी लेता है तो उनके कोई टीवी चैनल पर आपको देखने को मिल सकती है अगर इसे टीवी पे पर रिलीज़ कराया गया तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा बाकी आप इस डक की जर्नी को देखें और आपको इस जर्नी कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा